दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोगों को एक कोर्ट का वीडियो दिखाने वाला हूँ। लाइव सेशन चल रहा है जिसमें, और ये जो सोर्स है वीडियो का, ये है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। तो हुआ क्या, ऐसा हुआ है कि एक बंदे ने लोन लिया था एक कंपनी से, तो उस कंपनी ने जो है उसके ऊपर केस कर दिया, क्योंकि वो जो है पैसा वापस नहीं कर पाया। अब कितना अमाउंट था, लगभग 2 से 3 लाख के ऊपर जो है अमाउंट था। अब वो लोग बोले कि जो बंदा लोन लिया था वो बोला कि मैं एक मशीन बैठाऊंगा, तो उसके लिए जो है लोन की ज़रूरत है। अब वो जो है, आप सभी को पता है कि बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा वो आपके आपको नहीं पता। अगर वो चलता है लोन के ऊपर लिया है, मशीन नहीं लिया, पैसा लिया था, ठीक है। तो जिस तरीके से क्या है कि वो कोई सिक्योर्ड लोन पे नहीं पड़ता है, वो पर्सनल लोन हो गया। सिक्योर लोन होता तो वो अलग बात होता। तो यहाँ पर जज ने कुछ चीज़ें बताया, कुछ बहस हुआ यहाँ पे, तो क्या है वो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो जो है पूरा देखना है, मैं आप लोगों को क्लिप में इसके साथ जो है अटैचमेंट करूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मानो आप लोगों ने भी लोन लिया है, अगर 2 लाख से ज़्यादा है, तो ही जो है ये लोग कोर्ट तक जा सकता है। अगर कोर्ट तक चला भी गया तो क्या फैसला करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है लोन देना, मतलब जो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, उन लोगों को क्या क्या बेसिस में क्या क्या चीज़ें जो है देखना पड़ता है, उसके बाद ही लोन देना देते हैं वो लोग, ये भी जो है कोर्ट में देखेगा। आप लोग एक चीज़ समझो कि आप लोग जब डिफॉल्ट होते हो, डिफॉल्ट क्यों होते हो, आप लोगों का जो कैपेसिटी है कि हाँ मुझे इतना लोन मिल जा रहा है, मैं ये वापस कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ये तो कंपनीज के ऊपर है ना। कंपनी चेक करेगा पहले, वेरिफिकेशन करेगा डॉक्यूमेंट कि हाँ आपका कितना कैपेसिटी है, आप कितना लोन ले सकते हो, कितना आप वापस कर सकते हो, ये देखा देखे बिना ही आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्त सबसे पहले किन लोगों का हुआ, लोन वाले का। तो इसी के ऊपर जो है कोर्ट में जो है एक फैसला है, तो आप लोगों को वो दिखाने वाला हूँ। आप लोग देखिए, वीडियो पूरा देखना है तभी आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब बटन अभी तक प्रेस नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन जल्द से जल्द प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। एम्प्लॉई है वहाँ मैनेजर। क्या मिस्टर शर्मा, बताया था केस FIR में एलिगेशन आया था कि जो है 4 लाख रुपए का लोन लेने के लिए बात हुई, और सतीश सेंगर प्रेजेंट एप्लीकेंट, कैनरा बैंक के मैनेजर राहुल नवीन, मकान मालिक राघवेंद्र ने रास्ता रोककर मारपीट की, और लोन के 4 लाख रुपए जमा करने के लिए दवा बनाने और मेरे द्वारा की गई शिकायत वापस लेकर राजीनामा का दवा बनाने के लिए जान से मारने की धमकी दी। इसका ये कहना है कि जो है 4 लाख रुपए का लोन जमा करने के लिए दवा बनाएगा प्रार्थी के आरोपी गण पर, जब तक सभी असल दस्तावेज का अपना दुरुपयोग करने की धमकी देने लगे, आरोपी गण को रस्ते पर जान से मारने की धमकी देने लगे। हाँ, तो एप्लीकेंट के खिलाफ, एप्लीकेंट बैंक के मैनेजरों के खिलाफ, और ये कहा है कि 4 लाख रुपए लोन जमा करने के लिए जो है ये धमकी दी गई, और 4 लाख रुपए का लोन फर्जी तरीके से निकाला गया, लोन इसी के अकाउंट में आना पड़ेगा। हाँ, सरकारी वकील से बताएं हम। ये डॉक्यूमेंट लेने के बाद बैंक से लोन पास कराते हैं, उसके बाद उसको अपने खाते में ट्रांसफर करा देते हैं, इसमें भगवती ट्रेडर्स वगैरह की कोटेशन बना के देते हैं, और इनकी लगातार सिंबल रहती है, सेम नेचर के और भी ऑफेंसेस हैं। कितने ऑफेंसेस हैं? ये और इनके पिताजी दोनों ये काम करते हैं। अच्छा, एक क्रम का 729/20, 294/323 का है, 669/20, 24/6, 420, 409/20, फिर उसे 376/2M, 376/342, 294/323 का है, फिर 305 सिग्नेचर, 420, 406 का है। अच्छा, कितने हो गए, 6? 4 के। 4 केसेस। और आप किसके लिए हैं? मेरा सिर्फ फरियाद। क्या कहना है आप? डॉट से क्या है कि पुलिस में आरक्षक है सतीश, जो इसकी प्रेजेंट एप्लीकेंट है, बेल इसकी है। ये सभी आरक्षक है, उसमें पिता है दिलीप सिंह, 2 FIR और उसमें लॉज है, और कनेक्टेड दूसरा केस भी इसी का 35 नंबर भी जो है इसके पिता का। अच्छा, तो दिलीप सिंह सेंगर इसके पिता है, और ये सतीश वो है लॉर्डशिप आरक्षक है। दिलीप सिंह सेंगर ने एक इसी तरह का लॉर्डशिप फ्रॉड किया है लॉर्डशिप, वो भी उसमें सतीश मुझे में, और उसकी सतीश में उस केस में लॉर्डशिप जो है कोऑर्डिनेट बेंच में उसकी 438 जो है विड्रॉ हो चुकी है, इसी आधार पर 669 प्रकरण क्रमांक जो है इनके खिलाफ और पंजीबद्ध है, और ये इसी तरह के हैबिचुअल हैं। 7 लाख का लोन लॉर्डशिप उसमें लेना, इनके इन्हें अपने एक भगवती ट्रेडर्स करके इनकी फर्म में उसके नाम पर ट्रांसफर कराया पैसा लॉर्डशिप, और एक और सोलंकी है उनके नाम पर पैसा ट्रांसफर कराया, और इसमें भी लॉर्डशिप यही स्थिति है कि ये फर्म के कोटेशन लगाते हैं लॉर्डशिप, उसके नाम पर पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं, और संबंधित को पैसा नहीं पहुँचता लॉर्डशिप। अच्छा, और ये बैंक का कौन आदमी है, हमें दिखाओ भाई लोन अकाउंट दिखाओ, किसके नाम पे लोन तुमने दिया? सर, ये गोपाल जाटव के नाम से लोन दिया था सर। अच्छा, डीटी इशू किया था अकॉर्डिंग टू कोटेशन। कोटेशन किसने दिया आपको? कोटेशन गोपाल जाटव ने सबमिट किया था। अच्छा, आपको लोन डॉक्यूमेंट साइन किसने किए? गोपाल जाटव ने साइन किए। गोपाल जाटव ने लोन डॉक्यूमेंट कब साइन किया? सर, ये 9 दिसंबर 2020। अच्छा, उसके बाद लोन सैंक्शन किया आपने? एक मिनट, सवाल जितना पूछो जवाब दो, जल्दी में हो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो लोन किस बाबत दिया था? सर, ये मशीन परचेस की है। मशीन परचेस की? मशीन कौन सी मशीन? फैब्रिकेशन। कहाँ का फैब्रिकेशन? आयरन का जो फैब्रिकेशन था ना। हाँ, तो लोन ग्रांट करने के पहले आप गाइडलाइंस क्या हैं?
ये दरखास्त कब आई लोन की? है दिसंबर में आई है, दिसंबर 2020 में आई। उसके लोन एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? तो क्या केवाईसी और कोटेशन के बेसिस पे आप किसी भी आदमी को लोन दे देते हैं क्या? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना भी हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी देखेंगे नहीं देखेंगे आप? वो देखा था उस आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? 4 लाख का या 5 लाख का लोन अगर आप दे रहे हैं किसी को, भले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता ना हो, लेकिन वो आदमी लोन रीपे कर सकता है और वो इसकी मशीन लगाने में इच्छुक है, उसका कोई हलफनामा है? सर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस था। किसका बिजनेस था? वो एग्जिस्टिंग बिजनेस का प्रमाण क्या है? किसका? किस तारीख का है? 2020 का रजिस्ट्रेशन। कब का है ना? 2020 का जारी किया। तो आपने किसने जारी किया इसको? सर ये नगर निगम से जारी होता है। तो नगर निगम को वेरीफाई किया आपने डॉक्यूमेंट को? सर पुराना रिपोर्ट लगा हुआ तो प्रीवियस मैनेजर ने वेरीफाई कर लिया। हाँ तो वेरीफाई किससे किया आपने? ओरिजिनल बुलवाया क्या? ये लॉट सॉफ्ट एक्ट का है, नगर निगम का नहीं। सॉफ्ट एक्ट के अंतर्गत जो दुकान खोलने का एक प्रोविजन है लॉट से उसका है, ये नगर निगम गलत बता रहे हैं। ये फैब्रिकेशन की मशीन लगा के ये धंधा करेंगे, इसका कोई डॉक्यूमेंट है? देखो सवाल जो पूछे उसका जवाब दो। फैब्रिकेशन मशीन इंस्टॉल करके किस नेचर का फैब्रिकेशन करेंगे, इसका कोई प्रमाण है? तो जो शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की दुकान खोलने की बात है, उसका तो कोई औचित्य नहीं है। सवाल तो इस बात का है कि भाई ये मशीन वहाँ लगाई जाएगी, और मशीन खरीदी कहाँ से जाएगी? किसका कोटेशन लगा है? भगवान दास ट्रेडर्स मशीन बेचते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं जानना चाहूँगा कि 20 अक्टूबर की बात, दिसंबर 2021 20 में ये फर्म क्या किस बिजनेस में एंगेज थी? तो उसका प्रमाण कोई है? तो GST ऑनलाइन करने पर से तो काम नहीं चलेगा ना। लेकिन ये फर्म फैब्रिकेटिंग मशीन्स के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, इसका कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। आपने एक कंपनी एक GST, अब भगवती ट्रेडर्स किस काम के लिए रजिस्टर्ड हैं, इनका क्या टर्नओवर है, ये मशीन की सप्लाई करते हैं, इसका कोई प्रमाण है कहीं पर? और जब आप लोन देते हैं तो वो पैसा तो जिस मशीन का कोटेशन आता है उसको पेमेंट होता है ना? हैं? भगवान दास ट्रेडर्स को पेमेंट किया था आपने? हाँ नहीं नहीं, वो तो आपने DD से पेमेंट करने के बजाय आपने ट्रांसफर नहीं किया पैसा। अच्छा, इसमें क्या ये भगवान दास को ट्रेडर्स को पार्टी बनाया, कैक्यूज बनाया या नहीं बनाया? नहीं, तो फर्जी है। नहीं, नहीं बनाया लॉट से, ना तो इनको बैंक वालों को बनाया कैक्यूज लॉट से, ना भगवान दास को बनाया लॉट से, जबकि ये है कि इनको पता है कि भगवान दास के नाम से कोई फर्म नहीं लॉट से। ये GST का नंबर जो बता रहे हैं वो बंद हो चुकी है फर्म, अभी कंफर्म कर रहे हैं कि बंद हो चुकी है। कब बंद हुई है वो फर्म? उसने भरा ही नहीं, शुरुआती दौर में लिया लॉट से कोई नंबर और फर्जी करके ये इसका एफिडेविट भी लगाया। सतीश सेंगर का लॉट से इसमें एफिडेविट भी लगाया कि डायरी में कि मैंने ये लोन इसको निकलवाया था और ये इस तरीके से पैसा दे दूंगा इसको, ये एफिडेविट लगाया सतीश। 3 महीने के अंदर पैसा जमा करने का। सतीश सेंगर कौन हुए? ये जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है उसका एफिडेविट लगाया किस डायरी में? किसमें? ये अपना किस डायरी में? उसने जब इस पर दावा करा था तो एसपी वगैरह ने शायद सोची तो उसने एफिडेविट दिया है कि यह कि मैं शपथ करता हूं एक मुद्रा लोन गोपाल जाटव पुत्र श्री गदरे साहब जाटव जाटव निवासी श्रीनगर कॉलोनी मुराद ग्वालियर के दस्तावेजों से मेरे द्वारा 4 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसका लोन अकाउंट नंबर 2400 है, जिसका संपूर्ण भुगतान मुझ शपथकर्ता के द्वारा आज दिनांक से 30 माह के अंदर मैं ब्याज सहित जमा किया जाएगा। यदि मुझ शपथकर्ता के द्वारा मुद्रा लोन की राशि 4 लाख रुपए मैं ब्याज के भविष्य में जमा नहीं की जाती तो गोपाल जाटव को अधिकार होगा कि वह मुझ शपथकर्ता व अन्य आरोपीगण के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर FIR दर्ज कराने के लिए बाध्य होगा, जिसमें मुझ शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये लोन सैंक्शन किस मैनेजर ने किया है? कहाँ है वो? गुजरात में। उसको एक्यूज नहीं बनाया आप लोगों ने? क्यों नहीं बनाया? अच्छा, ये जो आप GST नंबर बता रहे हैं किस तारीख को आपने वेरीफाई किया? 15 जनवरी का कैंसिल है। 15 जनवरी 2021 का कैंसिल, कैंसिल भी हो गया वो, खुद कैंसिल कराया है। तो मतलब आपने ना तो उस कंपनी की जांच करी, बस GST नंबर लिखा आपने देख लिया। इसी में पूछ रहा हूँ आपसे, 4 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए आपने भगवती के नाम पे तो दे दिया ड्राफ्ट, लेकिन भगवती इस नाम से मशीनें बनाते हैं, इसका तो प्रमाण कहीं नहीं है ना आपके पास में है, तो इसको एक्यूज बनाओ भाई पहले, इसको हम पेंडिंग रखेंगे और ये इसको लिख देते हैं इसमें, इसको एक्यूज बनाएंगे आप। मैं शर्मा, आप कुछ कहना है? नहीं नहीं, आपको बेल के लिए और कुछ बहस करनी है?
इनके मुताबिक भोपाल से जो ड्राफ्ट हैंडओवर किया गया वो किसी भगवती फर्म के नाम से हैंडओवर किया गया। उस भगवती का और प्रेजेंट एप्लीकेंट का कोई भी नेक्सस था तो उसका जो ड्राफ्ट दिया गया होगा उस ड्राफ्ट पे उस अकाउंट पे जमा हुआ होगा, उसके वो अकाउंट किसके नाम से था, उस अकाउंट का ऑर्डर ये फर्म भगवती उसका प्रोपराइटर क्यों था, उस प्रोपराइटर का मुझसे क्या लेना देना था, या उस प्रोपराइटर के अकाउंट से कोई राशि मेरे अकाउंट में आई गई, ऐसी कोई भी मैटेरियल है। अच्छा बैंक के मैनेजर साहब ये बता रहे हैं कि इस आदमी का कहीं सिग्नेचर है किसको? नहीं गोपाल नहीं सतीश सेंगर को, ये तो साफ सुथरा इंसान शरीफ आदमी है, नहीं लगा हुआ भाई। ये सफेद पोश 420 जो होते हैं वो कभी भी अपना नाम कहीं नहीं देते, और सही भी है, अगर वो नाम दे दिया तो 420 ही किस बात की भाई। तारीफ तभी है जब आप 420 करें और कोई आदमी आपका नाम सुन ना पाए, वही तारीफ है। आप इनको आप इनके मैनेजर को आप एक्यूज़ बनाइए, उनसे तहकीकात करिए, ऐसे 5 लाख के कितने लोन इन लोगों ने पब्लिक फंड के कितनों को दे दिए होंगे। ये तो कुछ केसेस हैं जिसमें कि मसला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है बेल को लिखते हुए या FIR लॉज हो गई है। पॉसिबिलिटी ऑफ करोड्स ऑफ पब्लिक मनी बीइंग साइफंड ऑफ इन कोल्यूजन ऑफ द बैंक विद दिस काइंड ऑफ पर्संस हु मैनिपुलेट डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर लोन इन फिक्टिशियस नेम्स and then transfer them. You should take it on a serious note. तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये जो वीडियो था ये था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वीडियो था। तो यहाँ पर जज ने बताया कि इस तरीके का जो भी चीज़ें करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी किसी को लोन देता है तो उन लोगों का काम होता है कि वो उनका कैपेसिटी को देखें कि लोन तो मैं दे रहा हूँ भाई ये पैसा वापस कर सकता है या फिर नहीं, उसके बाद ही लोन प्रोवाइड करते हैं। छोटा मोटा अमाउंट के लिए कोई कोर्ट पे नहीं जाएगा। अगर बड़ा अमाउंट है, अगर सोचो कि 5 लाख 10 लाख आपका जो है अमाउंट आपने लेके रखे हैं अब वापस नहीं कर पा रहे, तब जो है आपके ऊपर जो है कोर्ट पे जाके केस कर सकता है। लेकिन केस करेगा तो भी ये सब डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में मांगेगा। अगर आपने सोचो कि आपने इस तरीके का डॉक्यूमेंट वहां पे डाला ही नहीं, ठीक है, फिर भी आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर दिया, अब ये चीज जो है ये टोटली जो है कंपनीज के ऊपर प्रेशराइज्ड होगा। आप लोगों को समझ में आ गया? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये कर देगा, केस कर देगा। 5,000-10,000 के लिए केस में केस करेगा ही नहीं। आप लोग जैसे देखा कि वीडियो में जिसने भी केस किया उसको आना पड़ा कोर्ट में, बहस करना पड़ा कोर्ट में जाके। अब इतना समय थोड़ी है, लाखों लोग यहाँ पे जो है डिफॉल्ट करते हैं, लाखों लोगों को जो है यहाँ पे कोर्ट तक लेके जाएगा, लाखों बार वो लोग जाएगा, एक एक करके डेट पे देगा कोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पर चीज है ये कि कोई भी बंदा कोई भी अगर किसी भी अमाउंट का जो है लोन अगर लेके रखे हैं, आप लोग एक चीज समझ लो कि आप लोगों को कोर्ट में कोई भी केस नहीं करेगा, ये 110% गारंटी मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि यही चीज रीजन है, क्योंकि इतना भी उन लोगों के पास टाइम नहीं, हर एक इंसान के पीछे जो है वो लोग भागता फिरे, तो ये सब चीजें नहीं होता है। आप लोग डरिए मत, आप लोग जस्ट मेरा जो वीडियो है वो पूरा देखा करें, क्योंकि हर वीडियोज के थ्रू आप लोगों को कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, मोटिवेट करता हूं। तो आप लोगों को भी जो है मुझे मोटिवेट करना है, जिसके लिए आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सा ट्रिक है, वो है सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, बस मैं मोटिवेट होऊंगा। व्यूज लाइए, व्यूज तो आता ही नहीं है, कुछ कुछ वीडियोस में व्यूज आता है, कुछ कुछ वीडियोस आप तो देखते ही नहीं हो। हर वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों का सिचुएशन कभी ना कभी इस तरीके का सिचुएशन आप लोग झेल सकते हो, ठीक है। आप लोग हर वीडियोस देखा करो, इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं कि मुझे व्यूज पाने के लिए मैं बोल रहा हूं, व्यूज तो चाहिए ही, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, जिससे आप लोगों को पता चले कि जनरल अवेयरनेस क्या होता है। आप लोगों को जो बेवकूफ बनाता है, जो चुना लगाते हैं ये लोग, वो चुना नहीं लगा पाएगा ना, इसलिए वीडियोस बनाता हूं। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला है। तब तक के लिए चलते रहे डब्बा भाई, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।